हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है कोड फॉर एजुकेशन में। ये है रिएक्ट जेएस का पार्ट नंबर 16 गाइस। इसके अंदर हम देखें आपका फॉर्म हैंडलिंग के बारे में कि किस तरीके से आप रिएक्ट के अंदर फॉर्म हैंडलिंग कर सकते हैं। जैसे जावास्क्रिप्ट में आपका अवेलेबल है, वैसे ही फॉर्म आपका रिएक्ट में भी अवेलेबल है। तो यही सब देखेंगे थ्योरी एंड प्रैक्टिकल गाइज। एंड जैसे कि गाइज आपको हर एक वीडियो में बताई रिएक्ट जेएस ट्यूटोरियल की सीरीज चल रही है। अगर आपकी कोई भी वीडियो मिस हो जाती है तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां जाकर आप वीडियो देख सकते हैं। एंड आपको मेरे किसी वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट होता है तो कमेंट करके अपने डाउट को पूछ भी सकते हैं। एंड गाइज सारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के लिंक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन मिलेंगे, जाएं एंड फॉलो कर लें। एंड आपको रिएक्ट जेएस के कोर्स एंड आपके जो प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं उनके अगर सोर्स कोड फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए तो आपको कोड फॉर एजुकेशन की वेबसाइट एंड गिटहब का लिंक भी डिस्क्रिप्शन मिलेगा, जाएं एंड फॉलो कर लें गाइज। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले फॉर्म हैंडलिंग के बारे में, फॉर्म हैंडलिंग इन रिएक्ट। ओके, इसका मतलब क्या है? तो यहाँ पे छोटा सा मैंने इसका मीनिंग रखा है। फॉर्म्स प्ले अ इनिशियल रोल इन मॉडर्न वेब एप्लीकेशन। दे अनेबल यूजर टू शेयर इंफॉर्मेशन, कंप्लीट टास्क एंड प्रोवाइड फीडबैक। तो इस वाली लाइन में मैंने ये बताने की कोशिश करी है, जो फॉर्म होता है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी किसी भी वेब एप्लीकेशन का। या तो आप बात कर लें अमेजोन, फ्लिपकार्ट, किसी भी आप एक साइट पे जाएंगे, अमेजोन की साइट पे आप जाके देखेंगे तो सबसे पहले वो आपको फॉर्म ही देगा कि आप पहले साइन अप करें या लॉग इन करें, एंड देन उसके बाद ही आप उनकी वेबसाइट को चेकआउट कर पाएंगे डिटेल में प्रॉपर। ओके, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सेकंड लाइन है आपकी यहाँ पे, विदाउट फॉर्म्स मैनी ऑफ टास्क दैट वी टेक फॉर ग्रांटेड ऑन वेब सच एज लॉग इन इन, साइन इन अप और मेकिंग परचेज वुड नॉट बी पॉसिबल। मैंने अभी आपको जैसे बताया कि जितने भी ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म है विदाउट फॉर्म वहां पे वो पॉसिबल ही नहीं है। ओके, अब इसके बाद में एक और मैंने यहाँ पे एड ऑन कराया पॉइंट, हैंडलिंग फॉर्म्स इन रिएक्ट इन्वॉल्व्स कैप्चरिंग यूजर इनपुट, मैनेजिंग फॉर्म स्टेट एंड परफॉर्मिंग एक्शंस बेस्ड ऑन फॉर्म डेटा। ओके, इट मींस कि जो हैंडलिंग होता है ना, जो फॉर्म हैंडलिंग, हम क्यों वर्ड ये यूज करते हैं, क्योंकि उसके अंदर आपका इनपुट, मैनेजिंग स्टेट, आपका परफॉर्मिंग एक्शन, जो भी यूजर वो वहां पे फिल कर रहा है वो सब कुछ हम मैनेज करते हैं अपने फॉर्म डेटा के अंदर ही। ओके, लास्ट में मैंने आपका यहाँ पे मेंशन करा आपका, लेट्स टेक अ लुक एट एन एग्जांपल ऑफ फॉर्म हैंडलिंग इन रिएक्ट। ओके, तो सिंपल है, अब चलते हैं यहाँ पे प्रैक्टिकल। इतना ही है थ्योरी का पार्ट, ज्यादा बड़ा नहीं रखा मैंने, क्योंकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका प्रैक्टिकल में समझना कि किस तरीके से फॉर्म हैंडलिंग होती है रिएक्ट के अंदर। तो यहाँ चलते हैं अपने एडिटर पे और उसको करते हैं गाइस प्रैक्टिकल में। सो गाइस हमारी ऐप है ये, इस ऐप में app.js पे हम आ चुके हैं। ओके, जैसे आपने हर बार एक देखा है, तो यहाँ पे ऐप हमारी और जो आउटपुट आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे ओपन है। ओके, और यहाँ कंसोल में हम चीजें करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे करेंगे कैसे इस चीज को। ओके, तो मैं यहाँ क्या करूंगा, यहाँ पे एक नई फाइल क्रिएट करूंगा और नई फाइल का नाम मैं रखूंगा यहाँ पे फॉर्म handling.jsx। ओके, ये सारी चीजें मैंने डिटेल में बता रखी हैं आपको प्रीवियस वीडियोस में। RFC करेंगे शॉर्ट फॉर्म, तो आपका यहाँ पे आपका क्रिएट हो जाएगा कंपोनेंट। ओके, एंड देन यहाँ पे हमें क्या चाहिए होगा, कर्ली ब्रेसेस के अंदर यूज स्टेट तो सबसे पहले इंपोर्ट कराएंगे टॉप पे, जिसका भी यूज होगा आगे चल के, बट पहले यहाँ पे अभी हम क्या करते हैं आपका फॉर्म। ओके, एक डिव ले लेते हैं यहाँ पे। ओके, जस्ट इसको रैप करने के लिए। ओके, बाकी CSS का काम इसमें नहीं करेंगे हम। HTML4 लेबल के लिए एंड यूजर नेम, ठीक है, यहाँ पे ये हो गया हमारा क्या, यूजर नेम हो जाएगा लेबल फर्स्ट, एंड देन सेकंड यहाँ पे इनपुट लेंगे हम। ओके, और इस इनपुट में मैं एंटर मार के नीचे ले आऊंगा, कुछ इस तरीके से मैं यहाँ पे इसको डिजाइन करूंगा। ये देखिए यहाँ पे हो जाएगा आपका टेक्स्ट। ओके ओके, इसको एक सीक्वेंस में ही रखते हैं कि आपको समझ में आए, एंड एक आईडी लेंगे यहाँ पे, यूजर नेम हो जाएगी आपकी आईडी। ओके, इसके बाद होगा आपका नेम, नेम में भी हम यूजर नेम ही रखेंगे, आप चाहें तो अब जो भी नाम रखना चाहें वो रख सकते हैं, एंड वैल्यू होगा आपका यहाँ पे। अब जो वैल्यू आने वाली है ना मेरे पास में, वो वैल्यू आएगी आपकी डायनेमिक, तो अभी मैं क्या करता हूँ इसको खाली छोड़ देता हूँ। ओके, इट मीन्स कि एम्प्टी है अभी, अभी नहीं चाहिए। और एक फंक्शन बनाएंगे हम इस पे ऑन चेंज का, जैसे मैंने प्रीवियस वाले में आपको ऑन चेंज ऑलरेडी इसलिए बता दिया था कि आपको ये इजी तरीके से समझ में आए कि किस तरीके से हम ऑन चेंज चलाते हैं। ओके, ऑन चेंज का एक फंक्शन बनाएंगे हम, जो कि मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ। अभी उससे पहले मैं इसका कमेंट आउट कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, रिमूव भी कर देता हूँ, ठीक है, अभी जरूरत नहीं है हमें। मानिए इतनी चीज मैंने बना ली, अब ये मेरा कंपोनेंट बना हुई, अब इस कंपोनेंट को इम्पोर्ट भी तो करवाना होगा, तो हम यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे मैं इम्पोर्ट करवाऊंगा क्या मेरे फाइल को यहाँ पे फॉर्म, ठीक है, ये देखिए फॉर्म हैंडलिंग, यहाँ पे मैंने अपना कंपोनेंट इंपोर्ट करवा लिया है। करूंगा मैं सेव, एंड सेव करने के बाद में चलेंगे ब्राउजर पे, एंड ब्राउजर पे आने के बाद आप देखेंगे, देखिए वैल्यू वो वहां पे दिखा रहा है अभी, ठीक है, इस वार्निंग को अभी रहने दीजिए। यहाँ पे आप देखिए कि आपका यूजर नेम आ चुका है। अब इसके बाद में आपको नेक्स्ट क्या करना है यहाँ पे, तो एक और इस पूरे डिव को कॉपी करेंगे आप,
ठीक है, कॉपी करके पेस्ट कर लेंगे। इसे कर देंगे आप ईमेल, यहाँ हो जाएगा आपका ईमेल, इसे हम कर देते हैं ईमेल, आईडी ईमेल हो जाएगी आपकी, और ये भी आपका ईमेल ही हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ हमने कर दी यहाँ पे। इसके बाद कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे, ये हो जाएगा आपका किसके लिए, पासवर्ड के लिए। पासवर्ड हो गया आपका यहाँ पे पासवर्ड, एंड इसको भी हम पासवर्ड ही कर देते हैं। देखिए मैं प्रॉपर तरीके से इसलिए समझा रहा हूँ आपको कि पूरी डिटेल में आपको समझ में आ सके, क्योंकि बहुत बेसिक टू एडवांस कोर्स कर रहे हैं, दैट्स व्हाई। यहाँ पे आपका पासवर्ड करूंगा मैं सेव, एंड सेव करने के बाद चलूँ तो देखिए वार्निंग को रहने दीजिए, वार्निंग अभी चली जाएगी आपकी। यहाँ पे आपका इनपुट्स आ रहे हैं, आपके जो भी हम यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं ना वो बन रहे हैं। अब देखिए कि इनपुट्स पे तो आपका काम हो जाएगा। अब मानिए मेरे पास में चेकबॉक्स भी होगा और ड्रॉप डाउन भी होगा, जो एचटीएमएल मिलता है हमें स्लैक, उसको भी तो कैसे करेंगे हम यहाँ पे हैंडल। देखिए वो भी हो सकता है, कैसे करेंगे, कॉपी से करूंगा मैं पेस्ट यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहले रोल आ जाएगा आपका यहाँ पे रोल। अब ये रोल जो है ना हमारा, वो होगा हमारा किसके लिए, तो मैं रोल से पहले क्या करता हूँ आपका सब्सक्रिप्शन के लिए ले लेता हूँ। देखिए सब्सक्रिप्शन के लिए जो सब्सक्राइब करेगा ना वो, और यहाँ पे जो इसका होगा वो होगा आपका सब्सक्राइब, इस सब्सक्राइब करके कर देता हूँ, करूंगा कॉपी, एंड कॉपी करने के बाद में ये हो जाएगा आपका चेकबॉक्स। ठीक है, इसको पेस्ट कर देते हैं, ये देखिए। इसके बाद में करूंगा मैं इसे कॉपी, कॉपी करने के बाद में करेंगे पेस्ट, एंड पेस्ट करने के बाद में यहाँ पे रोल ले लेते हैं। मानिए रोल है मेरे पास में, जो हम ड्रॉपडाउन बना रहे हैं ना उसको रोल ही बना लेते हैं। उस रोल के अंदर हम क्या क्या रखने वाले हैं वो देखिए। तो सबसे पहले तो ये इनपुट हट जाएगा आपका, यहाँ पे आपका आएगा सिलेक्ट। इस सिलेक्ट में देखिए कुछ चीजें आपकी रहेंगी बाय डिफॉल्ट के लिए, तो आईडी होगी पहले तो आपकी रोल, ओके रोल हो गई आपकी, नेम होगा आपका यहाँ पे रोल, ओके थोड़ा आप करते हैं इसे, और वैल्यू भी चाहिए होगा हमें, तो मैं वैल्यू भी ले लेता हूँ। वार्निंग आएगी हमें, ठीक है कोई बात नहीं, देखेंगे उसे। और यहाँ से इसे यहाँ पे सेल्फ क्लोज नहीं करते, इसके लिए हम जो होता है ना हमारा, ये देखिए कुछ इस तरीके से क्लोज करेंगे। इसके बाद में यहाँ पे हमें क्या मिलता है, ऑप्शंस मिलते हैं, ये देखिए ऑप्शन ले लिए, सिलेक्ट रोल पहले ये हो गया हमारा, हम इसे कर लेंगे यहाँ से। देखिए इसकी वैल्यू ले लेते हैं पहले, पहले वाले की एम्प्टी रहेगी, बाकी सब में आपकी वैल्यू रहेगी जिसे हम गेट करके शोकेस करेंगे। और यहाँ पे मैं ये भी बताऊंगा कि किस तरीके से आप ऑब्जेक्ट बना सकते हैं पूरे फॉर्म के डेटा को, ओके वो भी हम यही देखेंगे अभी। एडमिन हो जाएगा पहला आपका एडमिन, ओके देन इसके बाद में आपका होगा यहाँ पे यूजर, और यूजर हो गया आपका लास्ट ले लेते हैं एक यहाँ पे आपका एज अ गेस्ट, ओके गेस्ट ड्रॉप डाउन। ये चीज हमने यहाँ पे बना ली और डिफाइन भी कर दिया। अब इसके बाद में एक हमें बटन चाहिए होगा जो कि हमारा सबमिट का काम करेगा, बट सबमिट होगा हमारा किससे, फॉर्म से, ओके अब बिना फॉर्म के कैसे होता है मैंने ये ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में आपको समझा दिया है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप देख सकते हैं, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। यहाँ पे करूंगा मैं सेव, एंड सेव करने के बाद चलूंगा मैं यहाँ पे, तो यहाँ पे मेरा यूजर नेम, ईमेल, पासवर्ड, सब्सक्राइब, रोल, ये सारे सारे यहाँ पे आपको एडमिन, यूजर, ये सारे आपको विजिबल हो भी रहे हैं, और सबमिट बटन भी है। ठीक है, अब हमें क्या करना होगा, अब हम कैसे यहाँ पे चीजों को करेंगे सेट पहले, तो देखिए सबसे पहले हमें यहाँ पे ये हमारा सबमिट हो गया, तो सबमिट होने के बाद में यहाँ पे स्टार्ट होगा आपका फॉर्म से, सारी चीज फॉर्म से स्टार्ट होगी आपकी। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा आपका स्टेट डिफाइन करूंगा, ओके स्टेट जो हमने यहाँ पे यूज स्टेट रखा है इसको लेंगे पहले हम, कॉन्स्ट ले लेता हूं मैं, कॉन्स्ट फॉर्म डेटा कर लेते हैं पहले, इसमें हमारा आएगा, और सेट करवाने के लिए भी हमें चाहिए फॉर्म डेटा, यूज स्टेट हो जाएगा आपका। अब यूज स्टेट मैंने आपको कैसे सिखाया, मैंने स्ट्रिंग में भी सिखाया है आपको, मैंने बुलियन के केस में भी सिखाया है, अब मैं आपको ऑब्जेक्ट के केस में सिखाने जा रहा हूं। ये देखिए कुछ इस तरीके से हम ऑब्जेक्ट यहाँ पे डिजाइन करेंगे, और ये हो जाएगा हमारा एम्प्टी, यूजर नेम पहले, फिर ईमेल चाहिए हमें वो मिल जाएगा हमें, पासवर्ड, पासवर्ड भी यहीं शो करेंगे हम, इस सब्सक्राइब करके है ना हमारे पास में वो भी हम यहीं पे कॉमा लगाएंगे, नीचे आएंगे, ठीक है यहाँ पे। अब हो जाएगा लास्ट में हमारा रोल, ठीक है। तो ये है हमारा इनिशियल लेवल का आपका ऑब्जेक्ट जो कि हमारा स्टेट के थ्रू मैनेज करेंगे। स्टेट में हम क्या करेंगे आपका स्टोर करवाएंगे अपने फॉर्म के सारे डेटा को, और फिर कलेक्ट करेंगे उसे एज अ फॉर्म डेटा के अंदर, ठीक है। और वो कंसोल में मैं आपको प्रिंट करवा के दिखाऊंगा भी कि कैसे चलती है ये सारी की सारी चीजें। तो अभी यहाँ पे हमें सबसे पहले करना क्या होगा, मैं यहाँ पे पहले क्या करता हूँ, फॉर्म जो डेटा होगा ना हमारा उसमें से हमें यूजर नेम मिलेगा अभी, ठीक है अभी तो एम्प्टी होगा बट मिलेगा ये बाद में, और हमें एक फंक्शन भी चाहिए होगा ऑन चेंज हैंडल पे, यहाँ पे
मैं चेंज हैंडल करके बना लेता हूँ, ये देखें ये इजी रहेगा कन्वेंशन नाम के हिसाब से, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे ये बना लिया, अब ये चीज तो हो गई हमारी किसके लिए, ऑन चेंज पे। तो ऑन चेंज पे आप कैसे बनाएंगे, तो मैं ऑन चेंज के लिए यहाँ चलता हूँ। यहाँ पे अभी हमने सेट फॉर्म डेटा यूज नहीं करा आपका, यूज स्टेटमेंट ध्यान रखिएगा इस वाले के, फॉर्म डेटा का अभी मैंने नीचे इसलिए यूज कर लिया कि वहां पे हमें चाहिए होंगी वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, एरो फंक्शन बनाएंगे, इवेंट ले रहा हूँ मैं, कॉन्स्ट है मेरे पास में, इसमें मेरे पास में ऑब्जेक्ट होगा, देखिए ऑब्जेक्ट में नेम मिलेगा मेरे को, मैं वैल्यू ले लेता हूँ यहाँ पे, टाइप ले लेता हूँ मैं यहाँ पे, और चेकबॉक्स है तो उसके लिए चेक ले लेता हूँ, और ये मिलेगा किस में से मेरे को, इवेंट डॉट टारगेट में से मिलेगा। अब ये चीजें मैंने ऑलरेडी प्रीवियस वाले में बता दी थी आपको, ठीक है, कि इवेंट डॉट टारगेट होता क्या है, कि टारगेट करने के लिए जिस भी हम करंट एलिमेंट पे टारगेट करेंगे वो यहाँ पे आपका फिल होते रहेगा, ठीक है। कॉन्स्ट लेंगे यहाँ पे आप, यहाँ पे मैं एक वेरिएबल लेता हूँ फील्ड वैल्यू करके, ठीक है, जो टाइप है ना इसके अंदर से, टाइप जो मिल रहा है मेरे को उसको चेक करेंगे हम सबसे पहले, टाइप एंड उसकी वैल्यू को, कि अगर वो चेकबॉक्स है तो वो चेक्ड है, अदरवाइज वो वैल्यू है, ठीक है। ये दोनों चीज मिल जाएगी मेरे को इसके अंदर। अब क्या करना है हमें यहां पे, ये चीज तो हमें मिल गई, ठीक है, इतनी चीज को अगर मैं कंसोल करवा के आपको अभी दिखाऊं, यहां पे नेम हो गया मेरा यहां पे और फील्ड वैल्यू, ठीक है, ये चीज हो गई, करूंगा मैं सेव, एंड सेव करने के बाद अगर मैं यहां पे चलूं, आपको अभी भी आपको एरर्स दिखेंगे देखने के लिए, कोई इशू नहीं है, देखिए मैं अभी भी रिफ्रेश करूं तो एरर दिखेंगे, अभी हमने यूजर नेम पे करा है। अगर मैं भास्कर यहां पे लिखूं तो देखिए जैसे ही मैं लिख रहा हूं यहां पे, तो आपको यूजर नेम, इट मींस कि उसका नेम पिक कर रहे हैं हम, और यहां पे फील्ड वैल्यू, ये दो चीज आपको यहां पे विजिबल हो रही होगी कि किस तरीके से आपको मिल रही है यहां पे, ठीक है, इसलिए मैंने आपको नेम यहां पे प्रिंट करवा के दिखाया। तो अलग अलग वैल्यू, अलग अलग यहां पे जितने भी हमने ऑब्जेक्ट लिए हैं उसमें मिलेंगी हमें। अब हमें करवाना क्या होगा यहां पे, यहां पे इसे करवाना होगा हमें सेट फॉर्म डेटा, ठीक है, और हमारे पास क्या है, वो ऑब्जेक्ट है, तो हम स्प्रेड ऑपरेटर का यूज करेंगे, फॉर्म डेटा जो है वो पूरा का पूरा हम पास कर देंगे यहां से, और जो हमें नेम मिल रहे हैं, जो नेम मैंने अभी आपको दिखाया है, वो फील्ड नेम के, फील्ड की वैल्यू के साथ में इसे पास करेंगे, लाइक की एंड वैल्यू के पेयर में। ये तो चीज हो गई आपके किसके लिए, ऑन चेंज मैथड के लिए, ओके। उससे पहले अभी क्या करना होगा हमें, हमें जितने भी हमने बनाए हैं नीचे फील्ड्स, उन सब पे हमें यहाँ पे कॉल करवानी होगी हमें ये सारी चीजें। तो यहां से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, यहां मैं पेस्ट करता हूँ, इसका हो जाएगा आपका ईमेल, कि ईमेल मिलेगा आपको यहाँ पे, और मैं यहाँ पे अगर दिखाऊं तो ये पासवर्ड हो जाएगा आपका, कि ऑब्जेक्ट में से कैसे की निकालते हैं, ये चीजें मैंने ऑलरेडी जावास्क्रिप्ट के कोर्स में आपको बता रखी थी, ठीक है। यहां से आपको क्या मिलेगा, आपका इस सब्सक्राइब मिलेगा, वो सेव नहीं मिलेगा सब्सक्राइब, क्योंकि हमने इस सब्सक्राइब करके चीजें रखी है यहाँ पे, तो वो चीज हमें मिल रही है, ओके। अब इसके बाद में नेक्स्ट रोल है हमारा यहाँ पे, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको करेंगे रिमूव, और यहाँ पे हो जाएगा आपका क्या, रोल। देखिए एक ही फंक्शन से, एक ही ऑन चेंज का जो फंक्शन है उससे ही हम चीजें कैसे यूज कर सकते हैं अगेन एंड अगेन, वो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब इसके बाद अगर मैं ब्राउजर पे जाऊं अभी, तो अगर मैं यहाँ पे आऊं और करूं रिफ्रेश, तो रिफ्रेश करने के बाद में आप देखेंगे कि आपके सारे के सारे एरर जा चुके हैं, ठीक है, इट मीन्स कि एरर नहीं आ रहे अभी, बट आपको क्या चाहिए कि ये जितनी भी वैल्यू है ये सबमिट पे चाहिए आपको, ठीक है। अब ये सबमिट पे कैसे मिलेंगे आपको, तो चलिए देखिए, हमने इनपुट के लिए तो कर ली, आपको मैंने एक का एग्जांपल करके दिखाया, तो बाकी भी चलेगा आपका, ठीक है। अब यहां फॉर्म पे आते हैं, ऑन सबमिट बनाता हूं मैं यहां पे, ठीक है, कर्ली ब्रेसेस के अंदर इसका नाम ले लेते हैं हैंडल सबमिट करके, ठीक है, यही हम फंक्शन बना लेते हैं इसी नाम से। करता हूं मैं इसको कॉपी, कॉपी करने के बाद में यहां पे आते हैं कॉन्स्ट, ठीक है, एरो फंक्शन लेंगे, इसमें भी इवेंट ही रख लेते हैं, इजी रहेगा, इवेंट हो गया हमारा, इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट। अब ये क्यों करते हैं, ये मैंने आपको हमारे प्रोजेक्ट में भी बताया था, मैंने प्रीवियस वाली क्लासेस में भी बताया कि जब कभी भी मल्टीपल आपके ऑन क्लिक होते हैं किसी भी एक एलिमेंट पे एचटीएमएल के, तो वहां पे आपको क्या चाहिए कि पहला उस पर मल्टीपल जो इवेंट्स पे क्लिक हो रहा है वो आपका सिंगल क्लिक चले फर्स्ट, सेकेंड फॉर्म सबमिट होने पे आपका ब्राउजर रिफ्रेश ना हो, ओके। अब इसके बाद में कंसोल लगाते हैं यहां पे, अभी काम हमारा पूरा नहीं हुआ, यहां पे है हमारा ये फॉर्म डेटा कॉमा फॉर्म डेटा, ठीक है, जो अभी हमने ऊपर पास कर रखा था वो, तो जो स्टेट हमने यहां पे डिफाइन करी थी सेट से, वो हम सेट करवा रहे हैं ऑन चेंज पे, ओके, ऑन चेंज पे उस चीज को सेट करवा रहे हैं,
और ये जितनी भी वैल्यूज है ना वो यहाँ पे जाके सेट हो जाएंगी। सेट होने के बाद में हमारे पास में फॉर्म डेटा के अंदर वैल्यूज मिलेंगी हमें, तो जो कि हमने यहाँ पे आपका सबमिट पे जो हमारा फॉर्म सबमिट होगा तब हमें फॉर्म डेटा के अंदर कलेक्ट हो जाएंगी। तो चलिए ये देखते हैं कैसे करेंगे सेव, एंड सेव करने के बाद यहाँ पे आएंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे नाम लूंगा अपना भास्कर गुप्ता, ओके। यहाँ पे मैं लूंगा भास्कर@gmail.com, ओके। पासवर्ड रख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे चेक करते हैं और रोल होगा आपका एडमिन का। इतनी चीज को मैं करूंगा सबमिट, और सबमिट करते ही यहाँ पे आपको दिखेगा, तो देखिए ईमेल में आपका ईमेल भास्कर@gmail.com इज सब्सक्राइब, जो मैंने चेकबॉक्स पर टिक करा ना वहां पे ट्रू मिल रहा है क्योंकि बुलियन का केस रखा था हमने। पासवर्ड हमारे पास में पासवर्ड रोल एडमिन यूजर नेम ये। अगर मैं यहाँ पे चेकबॉक्स हटा दूं, ओके, और यहाँ पे मैं सिलेक्ट ही नहीं करूं कुछ और सबमिट करूं, तो हमें क्या मिलेगा देखने को? यहाँ पे आएंगे तो रोल आपका एम्प्टी आ रहा है और इज सब्सक्राइब वाले में फॉल्स मिल रहा है आपको। तो देख रहे हैं कि किस तरीके से आप यहाँ पे फॉर्म हैंडलिंग कर सकते हैं स्टेट के थ्रू। स्टेट में मैंने चीजें रखी हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या करा, सबसे पहले आपका स्टेट यूज स्टेट लिया, उसमें ऑब्जेक्ट डिफाइन करा मैंने जो भी हमारी फील्ड होने वाली है वो, एंड देन उसके बाद में ऑन चेंज जो एक फंक्शन था हमने उस पर बनाया इवेंट। अब यहाँ पे क्या होता है, जब कभी भी हम फंक्शन कॉल करवाते हैं, जैसे मैंने हैंडल चेंज फंक्शन यूज करा है, तो उसमें डायनेमिक हम पास कर रहे हैं कि इवेंट जो मिल रहा है उसमें डॉट टारगेट जो है, जितनी भी चीजें हमें टारगेट के अंदर मिल रही हैं उसमें से नेम मिल जाए हमें, वैल्यू मिल जाए, टाइप पता लग जाए, और चेक्ड ये भी मिल जाए हमें, ठीक है। और फिर वहां से हमने कॉन्स्ट के अंदर से फील्ड नेम में से टाइप में इजिकल टू ये है आपका चेकबॉक्स, तो चेक्ड हो जाए जो हमने ऊपर से निकाला था, नहीं तो वो वैल्यू रहे। देखिए टाइप यहाँ पे यूज हो गया, चेक्ड आपका यहाँ पे, वैल्यू यहाँ पे बचा नेम। नेम हमने कहाँ पे यूज करा, नेम हमने करा जब हमें फॉर्म डेटा जो अभी हमारा एम्प्टी है स्प्रेड ऑपरेटर के साथ में जो भी था वो हमने यहाँ पे डाल दिया। उसके बाद में एक और की एंड वैल्यू का पेयर बनाया हमने, नेम एंड फील्ड वैल्यू का, और उसको हमने सेट करवा दिया कहाँ पे, स्टेट में। फिर हमारे फॉर्म डेटा के पास में वैल्यू आ गई नई वाली, ठीक है, वो हमने यहाँ पे सबमिट पे हमने यहाँ पे प्रिंट करवा दिया। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा वही चीज, हम फॉर्म डेटा डॉट यूजर ईमेल पासवर्ड इज सब्सक्राइब एंड रोल ये प्रिंट भी करवा रहे हैं। अगर आप ब्राउजर पे वापस जाएंगे ना तो देखिए सबमिट करने के बाद में ये रिफ्रेश नहीं हुआ, यहाँ पे आपकी वैल्यू दिख रही है। जब तक आप रिफ्रेश खुद नहीं करेंगे ना, ये देखिए मैंने रिफ्रेश करा, तब जाके आपकी वैल्यू यहाँ पे हटेंगी यहाँ पे, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से भी आप यहाँ पे चीजें कर सकते हैं। सो उम्मीद करता हूँ गाइस कि आपको इस वीडियो में चीजें समझ में आई होंगी कि फॉर्म हैंडलिंग कैसे कर सकते हैं आप मल्टीपल इनपुट्स ऑफ फॉर्म के साथ में। अभी मैंने फॉर्म वैलिडेशन नहीं सिखाया आपको, वो भी आने वाली वीडियोस में मैं कवर करूंगा फॉर्म वैलिडेशन कैसे कर सकते हैं आप। यहाँ पे अभी इंपॉर्टेंट ये था कि कैसे आप मल्टीपल इनपुट्स की वैल्यू को गेट करके और आप एक ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट कर सकते हैं, फिर इसी ऑब्जेक्ट को आप अपनी एपीआई में कैसे पास ऑन कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट करके अपने डाउट को पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं क्या पढ़ाने वाला हूं वो एक बार देख लेते हैं पहले। सो गाइज नेक्स्ट वाले पार्ट में हम देखेंगे आपका रिएक्ट जेएस के अंदर आपका कंडीशनल रेंडरिंग के बारे में, कि किस तरीके से आप कंडीशन बेस्ड थिंग्स को रेंडर करा सकते हैं अगेन एंड अगेन, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल। गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, जब क्लिक टिल देन बाय गाइज।